सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करो जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ता कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। आज का पंचांग 10 जुलाई 2024 दिन बुधवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह 7:52 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मघा नामक नक्षत्र सुबह 10:15 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:32 से 2:12 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। मेष राशि 10 जुलाई 2024 दिन बुधवार, आज स्वयं को भौतिक चीजों के मुंह में फंसा हुआ अनुभव करेंगे, लेकिन किसी भी वस्तु को इतना कसकर ना पकड़े, बहाव के साथ बहना ही उपयुक्त है। सहज बने रहें, जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाते अपना नजरिया दृढ़ ही रखें। दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने के बारे में भी सोच सकती हैं, इस बारे में दोस्तों और सहकर्मियों से बात करना सही रहेगा। योग और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनने या आपको अपनी व्यवहार और दिनचर्या संबंधी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, परंतु कोई भी नया कार्य करने से पहले अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करना फायदेमंद रहेगा। अनेक लोगों की नकारात्मक सोच का असर आपके स्वभाव पर हो सकता है। आपको प्राप्त हुए अनुभव के कारण दूसरों की समस्या का समाधान ढूंढना आपके लिए संभव होगा। काम की जगह नई जिम्मेदारी लेना आपके लिए तकलीफ का कारण बन सकता है। पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाए रखें, तभी एक दूसरे के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा। महिलाओं की सेहत से जुड़ी बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। आज के दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। संतान पक्ष की ओर से आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपके प्रभाव और प्रताप में वृद्धि होगी। किसी नए काम की शुरुआत करने में आपके परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा। फिटनेस में भी आपको मन मुताबिक लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आपको जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, नहीं तो उसमें आपसे कोई गड़बड़ी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी मेहनत से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगी। सावधानियां, किसी खास वस्तु के खोने या चोरी होने की स्थिति बन रही है। बेहतर होगा कि अपनी चीजों को संभाल कर खुद ही रखें। भाई बहनों के साथ संबंधों को खराब होने से बचाइए। नकारात्मक बातों को रिश्तों के बीच लाना उचित नहीं है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके सितारे आपको अपने सपनों के राजकुमार से मिलवाने की स्थिति बना रहे हैं। वह काफी साहसिक होंगे, उनकी खुशमिजाजी भी देखने लायक होगी। जैसा आप सोच रहे थे वह बिल्कुल वैसा तो नहीं होगा, लेकिन उसके काफी करीब होगा। इसीलिए उसके लिए अपनी पसंद जाहिर करने में ना हिचकिचाएं और लगे हाथ अपनी भावनाओं का इशारा भी दे ही दे। बात करते हैं करियर की। सौहार्द और सार्वभौमिक जय जयकार का माहौल आज आपके कार्यस्थल में रहेगा और आप जिस कार्य को करने में आमतौर पर नफरत करते हैं उसे आप आनंद के साथ करेंगे। आज आप अपने कार्य के लिए नए उत्साह एवं ऊर्जा पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपनी सहयोगियों से सक्रिय समर्थन की प्राप्ति होने की भी संभावना प्रबल है। आज अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक अनुकूल समय है और समय रहते आप इसे पूरा कर सकते हैं। किसी खास इंसान से आपकी मुलाकात आज अचानक हो सकती है। आपके व्यवसाय के लिए यह बहुत ही तरक्कीदायक भी रहेगी। इस समय किसी भी तरह का बदलाव करना उचित नहीं है। नौकरी पेशे लोग दूसरों से बातचीत करते समय अपने कामों की जानकारी ना दें। बात करते हैं सेहत की। ऐसे स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जिसे बाहर निकलने की हर कोशिश अभी नाकाम साबित हो रही है। उसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप जिम जाना या अच्छा खाना खाना भूल ही जाएं। खुद को असाधारण साबित करने की कोशिश को छोड़कर
कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ दी। आज का उपाय, आज आप गाय को हरी घास खिलाएं या हरी सब्जी खिलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।